एनसी जी से आज कई दिन बाद आपके लिए वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम जैसा आप जानते हैं कि टेंसेस पढ़ रहे थे और हमने 9 टेंसेस पूरे कर लिए। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जिक्र करेंगे। बहुत जल्द टेंसेस को ख़त्म कर कर फिर मैं मॉडल्स पर आऊँगा और स्पीकिंग के बेसिक चैप्टर्स को और अच्छे से आगे से बढ़ाएंगे। अब तक हम ग्रामर और स्पीकिंग दोनों पे फोकस करते हुए चल रहे हैं, आगे चल के स्पीकिंग के प्योर स्पीकिंग के लिए टॉपिक्स लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? एक्चुअल में ये टेंस अभी हिंदी में हम स्कूलों में हमने पढ़ा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके साथ में टाइम फ्रेज पढ़ा जाता है। टाइम फ्रेज यानी ऐसा फ्रेज, फ्रेज कहते हैं शब्दों के समूह को, वो शब्दों का समूह जिसके अंदर वक्त के बारे में पता चले उसको टाइम फ्रेज कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही फर्क है कि इसका जब परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो इसमें टाइम फ्रेज का भी जिक्र आता है, यानी ये कनेक्ट करता है प्रेजेंट को पास से। कैसे? पास से कोई काम करता आ रहा है और अभी तक चल रहा है, जैसे स्टार्टेड इन पास एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। स्टार्ट वो पास में हुआ और अभी तक चल रहा है। जैसे आपने किसी से कहा कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो 1 घंटे पहले पास्ट हो गया और अब तक कर रहा हूँ, ये कॉन्टीन्यूस, ये प्रेजेंट हो गया। तो पास्ट को कॉन्टीन्यूस, सॉरी, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। आपने कहा मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, से इंतजार कर रहा हूँ, इसको बनाने से पहले जरा फॉर्मूले पे ध्यान दे लें कि फॉर्मूला कहता है क्या। पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हैज और हैव लाते हैं, फिर बीन लाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाते हैं, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक। ये नहीं है कि इनके बिना और नहीं आते, नॉर्मली इन दोनों का ज्यादा जिक्र होता है, इनके अलावा भी आते हैं। अभी एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इनके बिना भी सेंटेंस बनते हैं, पर उसमें टाइम का कहीं ना कहीं जिक्र होता है और टाइम फ्रेज भी आते हैं। तो अब देखिए, जो बच्चे बिल्कुल मेरे पास बेसिक से जुड़े हुए हैं तो उनको एक बार फिर बता दूं कि हैज जो है वो ही, शी, इट, एनी नेम, यानी किसी का नाम या सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, और अगर प्लूरल हो या आई और यू हो, आई तो सिंगुलर है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। अब हमें एक सेंटेंस मिला, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं की इंग्लिश हो गई आई, और आई के साथ अभी बताया है, और बीन, आई हैव बीन, वर्ब क्या है, इंतजार करना। अब बात आती है कि सिंस कहां आएगा और फोर कहां आएगा। देखिए, जब कभी भी सिंस का यूज होगा तो वो होगा टाइम का जिक्र करते वक्त। टाइम का जिक्र करते वक्त कैसे? जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, या फिर संडे से, मंडे से, या फिर डेट के बारे में जिक्र होगा जैसे 2 जुलाई से, 4 जुलाई से, या ईयर का जिक्र होगा 2010 से, 11 से, ये सब में सेंस आता है। और जब कब ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 4 आता है, ड्यूरेशन यानी कार्यकाल। अब देखिए, यहां 1 घंटा हो गया, 1 घंटा ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, तो क्या आएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। तो यहां 1 घंटा पास्ट हो गया और प्रेजेंट तक इसने जोड़ दिया कि 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। यही जब हम इसको निगेटिव में बनाते हैं तो हैज के साथ नॉट लग जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है निगेटिव में, बस निगेटिव सेंटेंसेस में यहां नॉट और जुड़ जाता है। मैं 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूं, तो आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, इस तरीके से बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं किस तरीके से डेली यूज में ये हम इसको ट्रांसलेट करते हैं या कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर आप किसी से कहते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटे लगातार हो गए, टाइम का जिक्र हो गया और कंटिन्यूस काम भी हो गया। कंटिन्यूस का मतलब ही है लगातार होने वाला काम, 2 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं तो ये कंटिन्यूस हो गया, और घंटे भी आ गए तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखो यहाँ 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 घंटे एक फिक्स टाइम था, एक ड्यूरेशन थी, तो ड्यूरेशन में 4 लगाते हैं।
वह सुबह से पढ़ रहा है, तो वह यानी ही हैज बीन स्टडिंग, और सुबह से शाम से रात से कल से इन सब के लिए सिंस आता है, याद रखिएगा, जब भी सुबह से शाम से रात से कल से ये हो तो आप इसमें सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह काफी देर से अपने दोस्तों से बात कर रहा है, वे यानी फिर ही हैज बीन टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां पर क्या है, क्योंकि काफी देर एक ड्यूरेशन एक कार्यकाल की तरफ इशारा कर रही है, तो काफी देर में क्या आता है, फॉर आ जाता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सलीम सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहा है, नहीं वाले में बस मैंने आपसे कहा था नोट लग जाएगा। सलीम हैजेंट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे, हैजेंट या हैज नॉट बीन, देखिए फिर यहाँ पर सोमवार आ गया। मैंने कहा जब भी दिन का जिक्र हो, तारीख का जिक्र हो, तो सिंस आता है, सिंस मॉर्निंग। सलीम हैजेंट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग। क्या तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे हो? अच्छा, फिर आपको रिकॉल करा दूं कि मैंने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बताई थी, उसमें आप चेक कीजिएगा इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, और आप फिर भी वह इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं, जो मैंने सिंपल फॉर्मूला दिया है उससे इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं, तो कमेंट्स कीजिए, मैं अगली वीडियो में इंटेरोगेटिव दोबारा से समझा दूंगा। क्या तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे हो? तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव क्या वाले हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैव यू, देखिए जब दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक पहले एक बाद में, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे हो, तो देखिए सुबह से शाम से इनमें सिंस आता है। तो ये तो होगा रोजमर्रा के कुछ सेंटेंसेस। अब आप बहुत से सेंटेंसेस अपने कॉपी पर अपने रजिस्टर पर बनाइए, जैसे मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा हूँ, वो काफी समय से पढ़ाई नहीं कर रहा है, इस तरीके से बहुत से जो लगातार पास से प्रेजेंट तक जोड़ रहे हो, लगातार काम हो रहे हो, अपनी कॉपी पर बनाइए, कहीं डाउट हो तो मुझसे मालूम कर लीजिए। ये तो हो गई आपकी ट्रांसलेशन की बात, स्पीकिंग की बात। कंपटीशन में कैसे सवाल आते हैं उसको देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे सवाल आते हैं, कुछ अभी देख लीजिए, कुछ पास्ट के साथ मिला के पढ़ेंगे कि पास्ट और प्रेजेंट में कहाँ डाउट हो सकता है। तो सबसे पहले एक बार इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर लगा लीजिए, फिर देखिए कि तीन में से कितने आपने सही किए हैं। ओके, आते हैं, देखिए पहला सवाल, इट रेनिंग मॉर्निंग, देखिए रेनिंग ने बता दिया कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, और मॉर्निंग ने बता दिया कि परफेक्ट है, क्योंकि मॉर्निंग ने इशारा कर दिया टाइम की तरफ, और टाइम की तरफ इशारा करने वाला कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट होता है, या तो प्रेजेंट हो सकता है या पास्ट हो सकता है, ऑप्शन में देखते हैं। अच्छा तो देखिए पहला ऑप्शन हैज और फोर, तो हैज तो आ सकता है पर बीन के बिना नहीं आ सकता, ये सवाल इट वॉज रेनिंग, क्योंकि पास पास कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, पास परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि सिंस ऑफ फोर पास कंटिन्यूअस में नहीं आता, ये जवाब भी गलत है। इट हैज बीन रेनिंग बिल्कुल सही है, और मॉर्निंग जब मॉर्निंग इवनिंग का जिक्र होता है तो सी यानी सिंस होता है, ये सही है। हैव बीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन आता है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सवाल, दे हैव बीन, अब हमने यहां हैव बीन दे ही दिया आपको, अ फैक्ट्री 2016, तो पता ही चला कि 2016 से कोई लगातार वर्क कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो आईएनजी वाला देख लीजिए, वर्किंग, तो जहां आईएनजी नहीं है उनको कट कर दीजिए, इसमें आईएनजी नहीं है और इसमें आईएनजी नहीं है, इन दोनों को चेक करते हैं। इट हैज दे हैव बीन वर्किंग, ठीक है, वर्किंग वर्किंग 2016, अब वक्त का जिक्र कर दिया 2016 का, तो यानी सेंस आएगा, तो सेंस किसमें, बी, ये भी सही हुआ हमारा। शी फूड फॉर 2 आवर्स, अब देखिए शी के साथ वो फूड और 2 आवर्स आ गया, पहला ऑप्शन है वॉज कुकिंग, पका रही है, पर जब टाइम का जिक्र आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस लगातार नहीं हो सकता, गलत हो गया। इज कुकिंग, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब तक नहीं, अगर इस पे टाइम फ्रेज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, परफेक्ट ही होगा। अब परफेक्ट के ये दो ऑप्शन आ गए, हैज बीन कुकिंग और हैज बीन कुकिंग, सही, दोनों बातें सही हैं, तो शी हैज बीन कुकिंग फूड, ये तो सही हो गया। 2 आवर्स, 2 आवर्स एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के साथ हमेशा 4 आता है, तो ऑप्शन सी सही है। तो आपने चेक किया होगा कैसे ये सवाल आते हैं कंपटीशन में, स्पीकिंग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं बहुत जल्द इसमें और वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत जल्द मिलते हैं।